सिवान के गोरियाकोठी प्रखंड के भिटी स्थित तपी प्रसाद उच्च विद्यालय के खेल मैदान में आज स्वर्गीय रामाशीष प्रसाद वर्मा की 24वीं पुण्यतिथि पर एक दिवसीय महिला फुटबॉल मैच का आयोजन गोरियाकोठी से राजद की पूर्व प्रत्याशी नूतन वर्मा के सौजन्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नूतन वर्मा ने झंडोत्तोलन कर किया। झंडोत्तोलन के बाद बीच मैदान पर पहुंचकर उन्होंने मदर टेरेसा क्लब, खुदाई बारी और टाउन क्लब नरकटियागंज के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। साथ ही खेल का शुभारंभ फीता काटकर और मशाल जलाकर किया। वहीं इस मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए नरकटियागंज की टीम ने 2-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। कार्यक्रम के अंत में पहुंची राजद नेत्री हिना शहाब, सिवान सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी ने विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपा। भिट्टी खेल मैदान में हुए इस मुकाबले में दोनों टीमों ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया। सबसे पहला गोल नरकटियागंज की तरफ से निशा कुमारी ने दागा, वहीं दूसरा गोल सिवान की तरफ से नेहा कुमारी ने दागकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। दूसरे हाफ में नरकटियागंज की लकी कुमारी ने विजयी गोल दागकर अपने टीम को 2-1 से जीत दिला दी। कार्यक्रम का संचालन सुभाष राय और फिरोज आलम ने संयुक्त रूप से किया। वहीं इस मौके पर राजद नेत्री लीलावती गिरी, युवा नेता हनी वर्मा, राजद नेता अशोक राय, रघुवंश राय, दरोगा पहलवान फारूक अहमद, आलोक वर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। साथ ही मैच का लुत्फ उठाने के लिए दूर दराज से हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। आप सभी दर्शकों का स्वागत है सिवान न्यूज में, मैं हूं अमित और इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान के भिट्टी हाई स्कूल के क्रीड़ा मैदान में, जहां पर स्वर्गीय रामाशीष प्रसाद वर्मा मेमोरियल क्रिकेट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। एक दिवसीय महिला फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हजारों हजार की संख्या में दर्शक जुटे हुए हैं और ये मैच मैं आपको बता दूं कि मदर टेरेसा क्लब सिवान बनाम टाउन क्लब नरकटियागंज के बीच खेला जा रहा है। दोनों तरफ की टीमें पहुंच चुकी है और ये फील्ड के चारों तरफ दर्शकों का हुजूम उमड़ा हुआ है मैच को देखने के लिए। मैच की जो मुख्य अतिथि हैं गोरियाकोठी विधानसभा के राजद के पूर्व प्रत्याशी नूतन वर्मा जी, वो खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रही हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे मुख्य अतिथि परिचय प्राप्त कर रही हैं खिलाड़ियों से। ये मेरे रामाशीष प्रसाद वर्मा मेरे ददिया ससुर हैं, उनका बहुत दिली ख्वाहिश था इस फुटबॉल मैच को कराने की और उन्हें बहुत अच्छा लगता था फुटबॉल मैच देखना कराना भी, तो उनके सपनों को सार्थक किया मेरे पति देव ने, जो स्वर्गीय मुन्ना प्रसाद वर्मा जी गुरु धर्मेंद्र वर्मा, और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इस मैच में शामिल होने का। मैं नूतन देवी, आपकी प्रत्याशी, आपकी विधायक, मैं अपने आप को विधायक ही महसूस करती हूँ, मैं हारी नहीं हूँ। ये आज भिट्टी के ऐतिहासिक ग्राउंड में स्वर्गीय रामाशीष वर्मा की 24वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे जिला फुटबॉल संघ सचिव के नाते यहाँ पर बुलाया गया है और हर साल यहाँ पर, चूँकि मुन्ना वर्मा जी थे वो हमेशा कराते थे, लेकिन उनके देहांत के बाद उनकी पत्नी नूतन वर्मा जी हैं उस कार्य को आगे करा रही हैं। SCC Solar Street Light, NSIC, ISO and CE approved Government of India, शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय नियमता के अनुसार लगाया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।